वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले साल 2021 में आने वाली बॉलीवुड की बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जिसका नाम है सात कदम, उसी मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर का। दोस्तों सात कदम 2021 में आने वाली एक बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी है। ये फिल्म 5 साल पहले इस फिल्म का शूटिंग साथ ही सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है और 5 साल बाद आज 2021 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म के ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर इरोस नाउ म्यूजिक की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। और ट्रेलर कैसा था और इस ट्रेलर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है, यही सब हम आपको बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो चलिए सो ज्यादा बात ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मोहित झा की डायरेक्शन में बनी ये काफी बढ़िया फिल्म होने वाली है। फिल्म के लीड रोल की बात करें तो फिल्म के लीड रोल आपको देखने मिलेंगे रॉनी त्रॉय और अमित शाह, जो कि काफी बड़े एक्टर है। उसके अलावा दीक्षा सेठ भी आपको इसमें काफी अहम रोल में नजर आएंगे। दूसरे फिल्म की ट्रेलर को देखने के बाद मुझे इस फिल्म की कहानी जितना समझ में आई है वही मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। दूसरे फिल्म की कहानी रॉनी त्रॉय की जीत घूमते, जो की अपने जमाने का एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल फुटबॉलर था, लेकिन रॉनी त्रॉय के एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर टूट जाते हैं। तो टूट जाने के बाद उसके फुटबॉलर बनने का जो सपना है वो टूट जाता है। तो उसके बाद रॉनी त्रॉय के बेटे यानी कि अमित शाह उसके सपने यानी कि रॉनी त्रॉय के सपने को पूरी करने की कोशिश करते, लेकिन कहानी आगे बढ़ते जब अमित शाह की सिलेक्शन होती है रॉनी त्रॉय की जो टीम है यानी कि फुटबॉल टीम है उसके ऑपोजिशन टीम में सिलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद अमित शाह उस ऑपोजिशन टीम में चले जाते हैं। उसके बाद अमित शाह क्या रॉनी त्रॉय की टीम के ऑपोजिशन में खेलेगा या फिर ना खेलेगा और क्या होगा, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म की रिलीज डेट तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इस ट्रेलर में आपको एक खास बात देखने के लिए मिलने वाले है, वही रॉनी त्रॉय की वॉइस जो कि काफी बढ़िया एंगल से आपको दिखाई गई है, यानी कि बंगाली के साथ हिंदी बोलने के जो तरीके है काफी ज्यादा हटके है और उसी हट के काम को रॉनी त्रॉय काफी बेहतरीन तरीके से निभाए हुए है। और साथ ही साथ अमित शाह की एक्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी, यानी कि सारे कलाकारों की एक्टिंग काफी अच्छी है। दोस्तों अगर आपने ट्रेलर को देखा है तो आपको ट्रेलर कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बता देना, और आप ये फिल्म देखेंगे या फिर ना देखेंगे वो भी हमें कमेंट करके बता देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।